मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को साक्ष्य मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र उसी प्राण संपदा के संचार का मंत्र है जिसके विषय में अभी हम लोग यहाँ से गीतों के माध्यम से सुन रहे थे। ये जो गायत्री का मंत्र है ये उस प्रकाश के अवतरण को संभव कर पाता है जो प्रकाश हमारे से बाहर के जगत में ऊर्जा बन कर के आता है और आंतरिक जगत में आभा बन कर के आता है। एक अंधकार तो वो है जिसको दूर कर पाने की सामर्थ्य भगवान सूर्य के प्रकाश में है, इस बल्ब में, ट्यूबलाइट में, हेलोजन में है, पर एक अंधकार मनुष्य के जीवन के भीतर, चित्त के भीतर, मन के भीतर, भावनाओं के भीतर, दृष्टिकोण के भीतर, जन्म जन्मांतर के कर्मों के रूप में जाकर के स्थिर हो जाता है। और उस अंधकार को दूर कर पाने की सामर्थ्य माँ गायत्री के इसी पवित्र मंत्र के अंदर है जिसको कि हम लोग वैदिक संपदा का, भारतीय ज्ञान परंपरा का महामंत्र कह करके पुकारते हैं। और गायत्री को महामंत्र कहने के पीछे का कारण बड़ा स्पष्ट है। जन्म जन्मांतरों में न जाने कौन कौन सी योनियों में भटकने के कारण अपने उद्देश्य के प्रति इंसान विमुख होकर के बैठ जाता है। मनुष्य का जीवन मिला, मिलने के साथ जो सौभाग्य मिला, सौभाग्य के साथ साथ जो संभावना मिली, उन सारे संभावनाओं से अपरिचित होकर मनुष्य कभी कभी जीवन को इस तरह से गुजार बैठता है जैसे हमें कुछ मिला ही नहीं। और उस होश को, उस बोध को प्रकट करने के लिए, उस संभावना को जागृत करने के लिए, उस सोच को साकार करने के लिए माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र उन शिक्षाओं को, उन आदर्शों को, उन संकेतों को, उन सूत्रों को प्रदान करता है जो यदि सही अर्थों में मनुष्य के जीवन के अंदर अवतरित हो पाती हैं, उसके अंदर साकार हो पाती हैं, तो उसको उस दिशा की ओर लेकर के जाती हैं जहाँ पर सिर्फ उत्कृष्टता का, श्रेष्ठता का और उच्चता का शिखर मनुष्य के जीवन के अंदर उपस्थित हो पाता है, प्रतिष्ठित हो पाता है। और उस संभावना को साकार करने का यदि कोई मंत्र है तो वो यही माँ गायत्री का पावन मंत्र है। हम लोग स्थिर चित्त के साथ, शांत मन के साथ उस शक्ति को पुकारते हैं, उस शक्ति का आवाहन करते हैं जो हमें सद्ज्ञान की ओर, सद्भाव की ओर, सन्मार्ग की ओर और सत्प्रवृत्ति की ओर लेकर के चलते हैं। सभी से विनम्र निवेदन कि एक बार शरीर, मन, भावना और अपने व्यक्तित्व को स्थिर करते हुए उस शक्ति का हम लोग आवाहन करें जो हमें एक ऐसे प्रकाश की ओर, प्रकाश पुंज की ओर, प्रकाश स्रोत की ओर लेकर के चलते हैं जहाँ से जीवन में उत्कृष्टता का उदय होता है। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। ओ गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही पवित्र, पावन, दिव्य और महत्वपूर्ण अवसर उड़ीसा की इस पावन भूमि पर हम लोग युग सृजेता समारोह के लिए उपस्थित हैं। और एक ऐसे समय में जब ईश्वर की, माँ गायत्री की, पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की साक्षात अनुकंपा को हम लोग अनुभव कर सकते हैं, वो क्षेत्र जहाँ पर निरंतर बारिश की संभावना थी वहाँ पर ऐसा लगता है कि भगवान ने आकर के अपना छाता खोल दिया है। तो एक ऐसे पवित्र क्षेत्र के अंदर, पावन क्षेत्र के अंदर जब आज हम लोग उपस्थित हैं तो इस शुभ, सौभाग्यशाली अवसर पर
हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय दुबे मामा जी, आदरणीय शेषदेव जी भाई साहब, यहाँ उपस्थित शांति कुंज की टोली के सभी सम्मानित सदस्यगण, मंच पर उपस्थित गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, उड़ीसा के विभिन्न स्थानों से आए, भुवनेश्वर से, कटक से, बोध से, गंजाम से, जाजपुर से, कोर्धा से, विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी युवा कार्यकर्ता भाई बहन, और उड़ीसा ही नहीं भारत के विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण अवसर पर उड़ीसा की इस पावन भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है। ये वो पावन भूमि है जहाँ पर ज्ञान ने अपने शिखर को छुआ, विवेक ने अपने शिखर को छुआ, कर्म ने अपने शिखर को छुआ, भक्ति ने अपने शिखर को छुआ। और सही पूछें तो उड़ीसा की इस पावन भूमि पर आकर हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, सौभाग्यशाली समझते हैं कि उस भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है, जो भूमि न जाने कितने मानवीय व्यक्तित्व के आयामों में शिखर पर पहुंचने के सौभाग्य को देख चुकी है। और आज जब हम लोग ऐसी पवित्र भूमि पर उपस्थित हैं तो एक बड़े ही महत्वपूर्ण चिंतन को अपने साथ ले जाने के लिए उपस्थित है, और वो चिंतन ये है कि ये जो महत् योजना है जिसको हम लोग विचार क्रांति अभियान के नाम से, युग निर्माण योजना के नाम से जानते हैं, गुरुदेव की वो पावन योजना जो यदि अपने सच्चे और पूर्ण स्वरूप में प्रतिष्ठित होगी तो न केवल उड़ीसा को हम लोग बदलता देखेंगे, भारत को, विश्व को, पूरे समाज को और पूरी सृष्टि को हम लोग बदलता देखेंगे। तो यदि उस योजना को साकार करना है तो करने के लिए हम लोगों के भीतर जिस ऊर्जा के उद्दाम प्रवाह को बहने की आवश्यकता है उस ओर थोड़ा सोचने की आवश्यकता हो जाती है। और वो सोचने के लिए पहले ये सोचना अनिवार्य हो जाता है कि जो मनुष्य का जीवन हम लोगों को मिला ये एक सौभाग्य के रूप में भी मिला है और एक संभावना के रूप में भी मिला है, एक ऐसी संभावना के रूप में मिला है जहाँ पर हमारे व्यक्तित्व की एक खिड़की, हमारे व्यक्तित्व का एक दरवाज़ा उधर की ओर खुलता है, जहाँ पर यदि मनुष्य का चिंतन, उसकी भावनाएं, उसकी सोच, उसकी जीवन शैली, उसकी चिंतन शैली यदि उस ओर जाते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विकृति विराजमान है, उसकी भावनाएं दूषित होती हैं, चिंतन विकृत होता है, व्यक्तित्व के अंदर दुष्प्रवृत्तियाँ आकर के विराजमान होती है, तो उसी मनुष्य के व्यक्तित्व के अंदर हम लोग एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को दुष्ट बनता, पापी बनता, अपराधी बनता, प्रेत बनता, पशु बनता, पिशाच बनता देखते हैं। एक संभावना हमारे जीवन के अंदर वो विद्यमान है जो हमें पाप, पतन और पराभव की खाइयों की ओर लेकर के जाते हैं, और एक संभावना मनुष्य के जीवन के अंदर वो विद्यमान है जहाँ पर यदि चिंतन प्रकाशित होता है, भावनाएं उज्ज्वल होती हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर सदाशयता, मानवता आकर के विद्यमान होते हैं, तो उसी मनुष्य के व्यक्तित्व को एक ईश्वर बनने से, परमात्मा बनने से, महामानव बनने से, महापुरुष बनने से कोई रोक नहीं पाता है। पर उस संभावना को साकार करने के लिए हमारे व्यक्तित्व के अंदर एक आत्मबल का होना, एक आत्मविश्वास का होना अनिवार्य हो जाता है। इस संसार में यदि किसी को सबसे बड़ी पूंजी कोई मिल सकती है, सबसे बड़ा उपहार कोई मिल सकता है और सबसे बड़ी संपदा कोई मिल सकती है तो उसको हम एक ही कहकर के आंक सकते हैं, वो है हमारा, हमारे कदमों के प्रति विश्वास, हमारे अपनी संभावनाओं के प्रति विश्वास। यदि हमारे मन में हमारी योजना के प्रति, गुरुदेव के प्रति, अपने कदमों के प्रति, अपनी संभावनाओं के प्रति, अपने संकल्प के प्रति एक विश्वास आकर के विराजमान होता है, एक ऐसा आत्मबल हमारे व्यक्तित्व के अंदर जन्म लेता है जो हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम जिधर भी बढ़ेंगे उधर सफलता को, शिखर को छू करके आएंगे, तो फिर वो क्रांति संभव हो पाती है जिसकी ओर चलने का इशारा परम पूज्य गुरुदेव करते हैं। और यदि हम लोग ध्यान से देखें तो हम में से प्रत्येक को वो संभावना, वो सौभाग्य न जाने एक बार नहीं कितनी बार प्राप्त हुआ है। हमारे जीवन के अंदर शायद ये सबसे बड़ा उपहार हो सकता है कि व्यक्ति को वो आत्मबल मिल सके जिस ओर चलने का इशारा गायत्री का ये पावन मंत्र प्रदान करता है। हर व्यक्ति के अंदर वो संभावना विराजमान है जो यदि अपने संपूर्ण स्वरूप में साकार हो पाती है तो व्यक्ति को उन संपदाओं से, उन विभूतियों से, उन शक्तियों से लबालब भर देती है
जहाँ पर मानवीय यात्रा का अंतिम शिखर कहा गया है। आप सोच करके देखें कि व्यक्ति यदि निर्जन राह पर चलता हो और उसको एकदम से उसके संगी साथी आकर के मिल जाएं, तो ऐसे में कितना भी व्यक्ति मन में भयभीत महसूस करता होगा, मन एकदम निश्चिंत हो जाता है। अंधेरी राह पर गुजरने पर यदि दूर से एक टिमटिमाता दिया दिख जाता है, एक बल्ब चमकता दिख जाता है, तो व्यक्ति के मन में निर्भयता और निश्चिंतता अपने आप आ जाते हैं। और एक छोटे से बच्चे को यदि माता पिता की उंगली ही पकड़ में आ जाती है, तो बच्चा एकदम अपने आप को निश्चिंत महसूस करता है। और हम लोगों को तो सौभाग्य मिला कि हमारे हाथ में पूज्य गुरुदेव की और वंदनीय माता जी की उंगली आ गई। जिसके हाथ में वो उंगली आ गई, उसके मन में हर तरह की निर्भयता, निडरता और निश्चिंतता आ जाती है। और जिसको गुरुदेव के ऊपर भरोसा आ गया, उसको अपने ऊपर भरोसा आ जाता है। और जिसको अपने ऊपर भरोसा आ गया, उसके ऊपर पूरी दुनिया को भरोसा आ जाता है। आप जरा सोच करके देखें कि आप यदि ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जिसको अपनी सर्जरी के ऊपर भरोसा ही नहीं हो, तो उसकी ऑपरेशन टेबल पर कौन लेटने वाला है? ऐसे ड्राइवर की गाड़ी में कौन चढ़ेगा जिसको अपनी ड्राइविंग पर ही भरोसा ना हो? ऐसे टीचर के पास कौन पढ़ने के लिए जाएगा जिसको अपनी टीचिंग के ऊपर भरोसा ना हो? व्यक्ति जाता उसी के पास है जिसको अपने किए के ऊपर और अपने कदमों के ऊपर भरोसा होता है। और जिसको अपने कदमों के ऊपर भरोसा होता है, वह ईश्वर पर भरोसा कर पाता है। और जो ईश्वर पर भरोसा करता है, वो अपने पे कर पाता है। और जो दोनों पे कर पाता है, उसके ऊपर दुनिया भरोसा कर पाती है। इस संसार में युवा होने का जो पहला मंत्र है, वो इसी आधार पर शुरू होता है कि हमारे हृदय में वो आत्मबल संपन्न व्यक्तित्व जन्म ले सके, जिसके आधार पर दुनिया के सारे शिखरों को छू पाना संभव हो पाता है। और आज के दिन हम लोग उसी चिंतन को यहाँ से ले जाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और जब बात आत्मबल की आती है, जब बात अपने हृदय में, अपने व्यक्तित्व में, अपने मन के अंदर, अपनी भावनाओं के अंदर आत्मविश्वास को जगाने की आती है, तो सबसे पहले तो हमें उस सौभाग्य के ऊपर भरोसा करने की आवश्यकता है जो मनुष्य के रूप में हम लोगों को प्राप्त हो पाया। एक क्षण के लिए हम लोग इस जीवन से निकलें, इस शरीर से निकलें और बाहर निकल करके इसी मनुष्य के जीवन का मूल्यांकन करके देखें। ये सोच करके देखें कि जो मनुष्य का जीवन हम लोगों को मिला, ये पूरा का पूरा पैकेज, जिसमें शरीर भी शामिल है, मन भी शामिल है, भावनाएं भी शामिल हैं, चिंतन भी शामिल है, पुरुषार्थ भी शामिल है, कला की संभावना भी शामिल है, संगीत की संभावना भी शामिल है, साहित्य की संभावना भी शामिल है, धर्म की, अध्यात्म की, ज्ञान की, विज्ञान की, ये सारी की सारी संभावनाएं जिस मनुष्य के जीवन के अंदर शामिल हैं, एक बार यदि हम उस मनुष्य के जीवन का मूल्यांकन करके देखें, समीक्षा करके देखें, तो इस बात पर किसी को शंका नहीं होगी, इस बात पर किसी को शंका नहीं होगी कि भगवान ने बनाने को तो 84 लाख प्राणी और भी बनाए हैं, पर जितनी मेहनत के साथ, जितने परिश्रम के साथ, जितनी भावना के साथ, जितनी योग्यता के साथ, जितनी काबिलियत के साथ इंसान को बनाया, आपको बनाया, हमको बनाया और खरबों अन्य प्राणियों को बनाया, उतना शायद किसी और प्राणी को नहीं बनाया है। यदि हम लोग कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि भगवान ने इंसान को अपने फेवरेट चाइल्ड के रूप में बनाया है। माता पिता की बहुत सारी संतानें होती हैं, कई सारी संतानों में एक संतान को माता पिता इस दृष्टि से देखते हैं कि हमारी फेवरेट चाइल्ड है, हमारी प्यारी संतान है। कल को जब हम बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो हमारे कारोबार को ये देख लिया करेगा, हमारी जगह पे भाग दौड़ कर दिया करेगा, हमारी जगह पे बैंक चला जाएगा, हमारा कोई काम होगा तो इस काम को ये करके आ जाया करेगा। यदि हम लोग उस दृष्टि से समीक्षा करके देखें, मूल्यांकन करके देखें, तो जिसको हम लोग परमपिता कह करके पुकारते हैं, वो भगवान, ये सारा का सारा संसार उसी का तो कारोबार है, ये उसी का तो धंधा है। और कल को यदि भगवान को ये लगे कि हमारे इस धंधे में, हमारे इस कारोबार में, हमारी इस सृष्टि को चलाने में, हमारे इस संसार को सुव्यवस्थित बनाने में हमें एक सशक्त सहयोगी की आवश्यकता है, तो इस काम को कौन कर सकता है? मक्खी कर सकती? मच्छर कर सकता है? नहीं। आप सोच के देखिए कि यदि पर्यावरण प्रदूषित हो जाए और पूरी दुनिया के अंदर पेड़ों को लगाने की आवश्यकता पड़े, यज्ञ के माध्यम से उसका परिशोधन करने की आवश्यकता पड़े, तो इंसान के अलावा ऐसा कौन सा प्राणी है जो इस काम को पूरी जिम्मेवारी के साथ कर सकता है? मैं बड़ी बातों के लिए नहीं कहता, मैं वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के गहन सूत्रों की समीक्षा नहीं करता, पर यदि हम लोग कॉमन सेंस लगा करके सोचें, एक सामान्य ज्ञान लगा करके सोचें कि यदि कल को भगवान कहें कि देखो मैं जमाने से सृष्टि को बना रहा हूँ, बनाते बनाते वक्त हो गया,
अब मैं थोड़ा थक गया हूँ भाई, मेरे को आराम करने दो। और भगवान कहें कि मुझे आराम करने के लिए अपनी जिम्मेवारी किसी को सौंपने की आवश्यकता है। तो भगवान इंसान के अलावा ऐसा कौन सा प्राणी है जिसको जिम्मेवारी सौंप करके जाएंगे? आप जरा सोच के बताइए। जो भगवान को ऐसा कभी लगा होगा कि मुझे अपनी जिम्मेवारी को सौंपने की आवश्यकता है, तो भगवान ने इंसान को बनाया होगा। और ये सोच करके बनाया होगा, आपको बनाया होगा, हमको बनाया होगा, और ये सोच करके बनाया होगा कि कल को जब इस सृष्टि के अंदर अव्यवस्था फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी, तो उस अराजकता को दूर करने के लिए मुझे एक अच्छे सशक्त मजबूत मददगार व्यक्ति की आवश्यकता है। और वो सोच करके भगवान ने हमको बनाया। हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि यदि हम लोग इस धरती के ऊपर विराजमान हैं, उड़ीसा की इस धरती के अंदर विराजमान हैं, आज इस युग सृजेता कार्यक्रम के अंदर विराजमान हैं, गुरुदेव के प्रतिनिधि के रूप में विराजमान हैं, एक देवीय योजना के, एक ईश्वरीय चेतना के प्रतिनिधि के रूप में विराजमान हैं, तो आज हम लोगों की यहाँ पर उपस्थिति भगवान के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ है। भगवान अपने एम्बेसडर के रूप में यदि उनने किसी को भेजा है तो हमको भेजा है। भारत को जब जाना होता है अमेरिका, तो भारत स्वयं नहीं जाता है, भारत अपनी एम्बेसी वहाँ पर खोलता है और एम्बेसडर को वहाँ पर बिठाता है। वैसे ही ईश्वर को यदि सब जगह जाना होता है तो ईश्वर को सब जगह जाने की जरूरत नहीं, ईश्वर ने हमको और आपको अपना राजदूत बना करके भेजा है। हर वो व्यक्ति जो यहाँ पर विराजमान है, उसको भगवान ने ये सोच करके बैठा है, ये सोच करके भेजा है कि ये व्यक्ति इस धरती के ऊपर, इस सृष्टि के ऊपर, हमारी इस प्यारी दुनिया के ऊपर हमारे प्रतिनिधि के रूप में, हमारे राजदूत के रूप में, हमारे एम्बेसडर के रूप में विद्यमान है। और इसलिए जब भगवान ने इंसान को बनाया तो उसको वो सारी की सारी शक्तियाँ दी, वो सारी की सारी ताकतें दी, वो सारी की सारी योग्यताएँ दी, वो सारी की सारी काबिलियत दी, वो सारी की सारी विभूतियाँ दी जो स्वयं भगवान के पास थी। और भगवान ने वो सारी की सारी चीज़ें आप में से प्रत्येक के अंदर बीज रूप में डाल करके भेजा है। आज के दिन हम लोगों को यहाँ से गहन आत्मबल को लेकर के जाने की आवश्यकता है, एक ऐसे आत्मविश्वास को लेकर के जाने की आवश्यकता है जहाँ पर हमारे मन में ये भरोसा पक्का हो जाए कि ईश्वर ने अपनी सारी शक्तियों को, अपनी सारी संपदाओं को, अपनी सारी विभूतियों को, अपनी सारी काबिलियत को हमारे अंदर डाल करके भेजा है। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ पर हम पहुँचें और वहाँ पर अंधेरा विराजमान हो तो हमारी उपस्थिति से उस जगह पर प्रकाश ना आ जाए। हम लोगों को अपने भीतर उस आत्मविश्वास को, उस आत्मबल को, उस चिंतन को, उस योजना को जन्म देने की आवश्यकता है। सोच करके देखें कि हमारे पास भगवान ने क्या क्या दे करके भेजा है। शरीर दे करके भेजा, ऐसा कोई दुनिया का प्राणी नहीं जिसके पास इंसान की तरह का शरीर हो। ये हम लोग खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, हर चीज़ की संभावना भगवान ने इंसान को दे करके भेजी। एक ऐसी संभावना दे करके भेजी कि दुनिया के 70% प्राणियों के ऊपर इंसान खरा उतरता है। हमें लगता है कि हमारी कीमत नहीं। वो एक कहानी आती है भगवान बुद्ध की, कि भगवान बुद्ध के पास गई महिला रोती हुई और ये बोले कि भगवान कुछ है नहीं मेरे पास। भगवान बोले कि किसने कह दिया बेटा कि तेरे पास कुछ नहीं है? बोले नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, घर में पैसे नहीं हैं, बहुत अभावों से घिरी हुई हूँ। भगवान ने कहा एक काम कर, मेरे यहाँ बहुत सारे राजा महाराजा आते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा पैसा है उनके पास, तू अपना एक हाथ काट करके दे दे, मैं उस हाथ के बदले में तुझे 1,00,000 रुपया दिलवा देता हूँ। बोले नहीं भगवान, मैं 1,00,000 रुपये में अपना हाथ काटने को तैयार नहीं। बोले नहीं नहीं, 5,00,000 रुपये दिला दूंगा। बोले नहीं, 5,00,000 में भी देने को तैयार नहीं। बोले मैं 50 दिला देता हूँ। अरे बोले मैं 50 में देने को तैयार नहीं, मैं 1 करोड़ दिला देता हूँ भगवान। बोले बोले नहीं भगवान, मुझे अपना हाथ काट के नहीं देना, मैं 1 करोड़ में भी देने को तैयार नहीं। तो भगवान बुद्ध बोले कि बेटा तू ये सोच के देख कि जब तेरा एक हाथ है तो उसे 1 करोड़ में बेचने को तैयार नहीं, और तेरे को भगवान ने 2-2 हाथ दे करके भेजा, 2-2 पैर दे करके भेजा, इतना बड़ा मस्तिष्क दे करके भेजा, इतना बड़ा दिल दे करके भेजा, ऐसा क्या है जो तेरे पास नहीं? भगवान ने वो संभावना हम में से प्रत्येक को दे करके भेजा। हमारे कदम कभी थकें, हमारा मन कभी रुके और हमें लगे कि हमें भगवान ने दे करके नहीं भेजा, हमारे पास ये संभावना नहीं है, वो नहीं है, तो पहले शीशे के सामने खड़े हों, अपने शरीर को निहारें और ये सोचें कि भगवान ने हमें क्या दे करके भेजा है। 2 हाथ दे करके भेजे हैं, वो चीज़ें दे करके भेजी हैं जो दुनिया के बहुत सारे प्राणियों को नसीब नहीं, वो शरीर दे करके भेजा। और यदि हम लोग ये सोचें कि शरीर की दृष्टि से हम लोग कुछ प्राणियों की तुलना में कम पड़ जाते हैं, हाथी की तुलना में कम है, शेर की तुलना में कम है, भैंसे की तुलना में कम है, सांप की तुलना में कम है, शेर की तुलना में कम है, पर उसके बावजूद इंसान के पास क्या ये शक्ति नहीं है कि वो हाथी के ऊपर महावत जा करके बैठ जाता है?
इंसान के पास क्या ये शक्ति नहीं है कि वो शेर को रिंग मास्टर की तरह से नचाता नजर आता है? इंसान के पास क्या ये शक्ति नहीं है कि वो सांप को सपेरे की तरह से अपनी बिन की धुन पर नचाता हुआ नजर आता है? इंसान के पास भगवान ने ये शक्ति दे करके भेजा है कि इंसान भैंसे को अपनी गाड़ी में जोतता हुआ नजर आता है? इंसान को जब ये शक्ति भगवान ने दी, और जो लोग इस काम को करते हैं वो कोई ऑक्सफोर्ड से या कैम्ब्रिज से डिग्री लेकर के नहीं आते, सामान्य सी बुद्धि वाला व्यक्ति भी एक हाथी के ऊपर कब्जा कर पाने की ताकत रखता है। हम में से प्रत्येक को भगवान ने इतनी बुद्धि दे करके भेजा कि जिस दिन शरीर कमज़ोर पड़ता है तो हमारी बुद्धि उस काम को करती हुई दिखाई पड़ती है जो काम अन्य प्राणी नहीं कर पाते। आप सोचो, हम लोग चीते की तरह से दौड़ नहीं सकते हैं, पर हमारी बनाई कार तो दौड़ सकती है। हम लोग मछली की तरह से पानी में तैर नहीं सकते, पर हमारी बनाई पनडुब्बी तो तैर सकती है। हम लोग जो है पंछी की तरह से आसमान में नहीं उड़ सकते, पर हमारा बनाया हवाई जहाज तो उड़ सकता है। हम लोग हाथी की तरह से लट्ठे को उठा नहीं सकते, पर हमारी बनाई क्रेन तो उठा सकती है। भगवान ने इंसान को ये शक्ति दे करके भेजा कि जहाँ पर हमारा शरीर कमज़ोर पड़ा, भगवान ने हमें बुद्धि दी। जिस दिन हमें लगे कि हमारे पास बल कम है, जिस दिन हमें लगे कि हम लोग शक्ति कम लेकर के आए, जिस दिन लगे कि हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ रहा है, उस दिन हम लोग शीशे के सामने खड़े हों और याद करें कि भगवान ने शरीर दिया और शरीर के साथ मन दिया। वो मन दिया जिसके पास ये संभावना है कि यदि वो चाहे तो संगीत को जन्म दे सकता है, यदि वो चाहे तो साहित्य को जन्म दे सकता है, यदि वो चाहे तो कलाओं को जन्म दे सकता है, यदि वो चाहे तो योजनाओं को जन्म दे सकता है। इतनी सारी संभावना को लेकर के हम में से प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर आया, और उन सारी संभावनाओं को लेकर आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, बैठे हुए हैं। एक संत थे, उनके पास एक व्यक्ति गया और बोला कि भगवान, मैं भारत के हर आश्रम में गया, हर गुरु के पास गया, न जाने कितने स्वामी जी के पास गया, न जाने कितने महाराज के पास गया, हर जगह से निराश होकर के आया हूँ। क्यों? भगवान ने पूछा, संत ने पूछा, क्यों परेशान हो? बोले, भगवान शांति चाहिए, मिल नहीं रही। संत तिरुवल्लुवर नाम था उनका। बोले, शांति चाहिए? बोले, हाँ। उन्होंने एक सिक्का उठाया, अपने हाथ के अंदर रख लिया। बोले, एक काम कर, बाहर बगीचे में ढूंढ कर के आ। बोले, भगवान आप मजाक कर रहे हैं, आपकी मुट्ठी के अंदर है तो मुझे सिक्का बाहर कैसे मिलेगा? तो भगवान बोले कि बेटा, फिर जो शांति तेरे भीतर है उसे तू बाहर क्यों ढूंढ रहा है? शांति तो मन के ही भीतर, उसे बाहर ढूंढने से मिलेगा क्या? हर व्यक्ति की चेतना के अंदर वो शांति विराजमान है, शरीर की शक्ति विराजमान है। हम लोग कभी अपने आप को आत्मबल की दृष्टि से कमज़ोर महसूस करें तो याद करें, भगवान ने हमें शरीर दे करके भेजा। कभी हम आत्मबल की दृष्टि से अपने आप को कमज़ोर महसूस करें तो ये सोचें कि भगवान ने हमें बुद्धि दे करके भेजा। हम कभी आत्मबल की दृष्टि से अपने आप को कमज़ोर महसूस करें तो ये सोचें कि भगवान ने हमें भावनाएँ दे करके भेजा। ये जो दुनिया आज तैयार हुई है, ये भावनाओं की कीमत पर ही तो तैयार हुई। इंसान यदि दूसरे इंसान के प्रति भावनाओं की शक्ति को नहीं रखता तो क्या ये समूह बन पाते? क्या संस्कृतियाँ खड़ी हो पाती? क्या वो धर्म तैयार हो पाता जिसको आज हम लोग सारी दुनिया में पूछते नजर आते हैं, जिसको हम लोग मानव का सबसे बड़ा एक आत्मबल मानते हैं, वो मानवता को ही तो मानते हैं। यदि इंसान की इंसान के प्रति इंसानियत नहीं होती तो क्या इस पूरी दुनिया को तैयार कर पाना संभव हो पाया? ये नहीं हो पाता दोस्तों। ये जो इंसान की शक्ति है वो इंसान की भावनाओं की, इंसान की संवेदनाओं की शक्ति है। तो भगवान ने इंसान को शरीर दे करके भेजा, बुद्धि दे करके भेजा, भावनाएं दे करके भेजा, संवेदनाएं दे करके भेजा, और सबसे ऊपर भगवान ने इंसान को वो आत्मबल दे करके भेजा जो बिरलों को प्राप्त हो पाता है। जब विश्वामित्र गए वशिष्ठ के पास और उनने देखा कि उनके यहाँ पर 60,000 लोगों की सेना है, और 60,000 लोगों की सेना को वशिष्ठ ऋषि जंगल में रहते हैं, कुछ है नहीं, कंदमूल खाते हैं, न जाने कैसे उनने 60,000 जितने सैनिक थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था बना ली। कहाँ से आई? उनने पूछा। बोले, हमारे पास कामधेनु गाय है, कामधेनु गाय को हम ले जाते हैं, हमें दे दीजिए। उनने कहा, जाना चाहे तो ले जाइए। प्रार्थना करी, कामधेनु अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं हुई, तो उनने अपने सैनिकों से कहा कि गाय को खींच करके ले जाओ, नाम था विश्वरथ, ले जाओ। कामधेनु को हजारों सैनिक अपने प्रयत्नों के बावजूद अपनी जगह से हिला नहीं पाए। विश्वरथ को क्रोध आया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक क्षत्रिय के बल के आगे झुक नहीं सकती। उनने कहा कि मैं राजा हूँ, यहाँ से कामधेनु को बलपूर्वक लेकर के जाऊँगा। वशिष्ठ ने कहा, वो संभव नहीं। क्यों? उनने कहा कि आपके बल से बढ़कर के एक और बल है, उसका नाम है आत्मबल। तब जब विश्वामित्र ने उस बात को महसूस करा
तो उनके मुंह से निकला धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, कि इस संसार में बाकी के सारे बल छूटे पड़ जाते हैं, जो एक बल सबसे ऊपर है उसका नाम है आत्मबल, और वो आत्मबल हम में से प्रत्येक व्यक्ति को भगवान ने दे करके भेजा। जिसको अपने मन में शंका हो कि ये संभव है कि नहीं, वो गुरुदेव के जीवन को उठा करके देखे। एक व्यक्ति आए हम लोगों के मध्य में रहे, 80 वर्ष का जीवन उनने जिया, और 80 वर्ष में भी गुरुदेव के जीवन के लगभग आधा समय ऐसा है जो गुरुदेव ने सिर्फ और सिर्फ साधनाओं में गुजारा। 42 वर्ष तो गुरुदेव के साधना में चले गए, 15 वर्ष की उम्र में गुरुदेव ने गायत्री के महापुरुष चरण शुरू करे, उसमें भी 4 वर्ष गुरुदेव जेल में रहे, हर 10 वर्ष के बाद 1 वर्ष पूर्णतया एकांत में चले गए, अंत के जो 6 वर्ष थे वो गुरुदेव ने सूक्ष्मीकरण साधना में गुजारे। ये वो समय है जिस समय में गुरुदेव सामान्य जनता के लिए उपलब्ध नहीं थे, और बाकी के जो 38 वर्ष हैं उन वर्षों में गुरुदेव ने 3400 किताबें लिखी। आप ये सोचिए कि अभी अभी एक दो महीना नहीं हुआ, एक दो महीना पहले गुरुदेव की लिखी गई जो किताबें हैं उन किताबों का जो QR कोड है, सिर्फ QR कोड, उस QR कोड का हम लोगों ने अनावरण किया, तो वो जो किताब है वो 1 किलोग्राम की है। तो आप सोच करके देखिए कि सिर्फ QR कोड की जो किताब है उसका वजन 1 किलोग्राम हो जाता है, तो जो गुरुदेव लिख करके गए उसका वजन कितना हो जाता है। एक इंसान के वजन से ज़्यादा गुरुदेव लिख करके गए, इतना बोल करके गए कि आज की तारीख में भी आप सोचें तो गुरुदेव के प्रवचन उन उन जगहों से निकल करके आते हैं जहाँ किसी ने सोचा नहीं। अभी मुश्किल से 2 महीना पहले एक सज्जन दे करके गए गुरुदेव का नागालैंड में प्रवचन। कब गुरुदेव नागालैंड गए, कब गुरुदेव मिजोरम गए, कब गुरुदेव मणिपुर गए, उन उन जगहों पर गए, और गुरुदेव ने गायत्री परिवार की स्थापना करी जहाँ पर जा पाना पहुँच पाना आज की परिस्थितियों में लगभग असंभव हो जाता है, और गुरुदेव उस समय में उसकी स्थापना करके आए जहाँ पर हम लोगों की कल्पना भी पहुँच नहीं पाते। हम लोग अलीराजपुर जोबट कट्ठीवाड़ा इस वाले क्षेत्र में थे, एक दिन में वहाँ पर गुरुदेव की स्थापना 8 केंद्रों की है एक दिन में, आज से 50 वर्ष पहले। और हम लोग पूरे प्रयत्न के बावजूद, उस समय में ना गाड़ियाँ थीं सारी चीज़ें थी, पूरे प्रयत्न के बावजूद हम लोग 7 ही केंद्रों में पहुँच पाए। और आप सोच के देखिए कि आज से 50 वर्ष पहले जब गुरुदेव कहीं पर बैलगाड़ी से गए, कहीं पर पैदल गए, कहीं पर बिना संसाधनों के गए, एक जगह तो गुरुदेव नदी को पार करके गए, नौका से गए, और उसके बावजूद गुरुदेव उस समय में आज से 50 वर्ष पहले उसी एक स्थान पर 8-8 केंद्रों की स्थापना एक दिन में करके आए। इतना गुरुदेव ने किया जितना 5000 व्यक्तियों के लिए एक जीवन में कर पाना संभव नहीं। हमारा मन कभी कमज़ोर पड़े तो हम गुरुदेव की ओर नज़र उठा करके देखें। हम लोग शेर के वंशज हैं, और जो शेर का बच्चा होता है वो शेर ही होता है, शेर के घर में शेर जन्म लेता है। हम लोगों को अपने मन में ये सोचने की आवश्यकता है कि हम लोगों को भगवान ने वो संभावना दे करके भेजा है जो धरती पर और किसी को दे करके भेजा नहीं। कभी हमारे कदमों के अंदर, कभी हमारे सपनों के अंदर, कभी हमारी संभावनाओं के अंदर कमजोरी को आने की आवश्यकता नहीं। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो हमारे बढ़ते हुए कदमों को रोक सके। हमें हमारे ऊपर भरोसा होने की आवश्यकता है, गुरुदेव के ऊपर भरोसा होने की आवश्यकता है, और उस योजना के ऊपर भरोसा होने की आवश्यकता है जिस योजना का प्रतिनिधि बनाकर हम में से प्रत्येक को यहाँ पर भेजा गया है। हम लोगों के कदम कभी रुके तो हम सोचें कि भगवान ने हमको शरीर दे करके भेजा, भगवान ने हमें बुद्धि दे करके भेजा, भगवान ने हमें भावनाएं दे करके भेजा, भगवान ने संवेदनाएं दे करके भेजा, और भगवान ने वो संभावना दे करके भेजा जहाँ पर इंसान के अंदर वो शक्ति है कि इंसान प्रकृति के गुणों को भी पार कर जाता है और बुद्ध महावीर पतंजलि विवेकानंद और गुरुदेव में बदल जाता है। वो संभावना हम में से प्रत्येक व्यक्ति को दे करके भेजा। जिस दिन इंसान को बनाया तो भगवान ने हम में से प्रत्येक से कहा, जिस दिन हम लोग जन्म लेने वाले थे भगवान ने हमारे कान में कहा कि बेटा तू मेरी फेवरेट चाइल्ड है, मैं तुझे भेज रहा हूँ, धरती के ऊपर भेज रहा हूँ, और ये कह करके भेज रहा हूँ कि दुनिया की कितनी भी ऊँचाई हो, दुनिया की कितनी भी लंबाई हो, दुनिया की कितनी भी गहराई हो, तेरे कदमों के आगे छोटे पड़ने वाली है। तो जहाँ जाएगा अपने लिए रास्ता बनाता चला जाएगा, तो जहाँ जाएगा अपने लिए दुनिया खड़ी करता चला जाएगा। भगवान ने जो भगवान के भीतर था वो हमारे में से प्रत्येक के भीतर डाल करके भेजा। हम लोग अपने मन में ये सोचें कि जब यहाँ से उठें तो जाएँ और शीशे के सामने खड़े हो। आपने शांतिकुंज का मंदिर देखा होगा, शांतिकुंज में गायत्री का मंदिर है, और गायत्री के मंदिर के पास में गुरुदेव ने शीशे लगा दिए। क्यों लगा दिए? इसलिए लगा दिए कि आप भगवान को तो प्रणाम करके आओ, और वहाँ से जब निकलो तो शीशों के सामने खड़े हो और ये याद करो कि जो भगवान वहाँ पर बैठा है वो आप में से प्रत्येक के अंदर बैठा है।
हम में से प्रत्येक के अंदर वही भगवान विराजमान है, हम में से प्रत्येक के अंदर वही दिव्यता विराजमान है। हम लोग यहाँ से उठे और अपने अंदर इस विश्वास को लेकर के उठे कि दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं जो हमारे संकल्प के आगे बड़ा पड़ सकता है, उसको छोटा ही पड़ने की आवश्यकता है। जिसके अंदर भगवान स्वयं विराजमान हो उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। फिर क्या चीज़ें हैं जो हमारे कदमों को थाम करके बैठ जाती हैं? ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे सपनों को रोक करके बैठ जाती है? ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे भावनाओं को दबा करके बैठ जाती है? लोगों को लगता है कि साहब हमारा शरीर कमज़ोर है, हमें भगवान ने बीमारी दे दी, बीमारी नहीं होती तो शायद हम लोग इस काम को कर लेते। यदि हमारे को लगे कि हमारा शरीर कमज़ोर पड़ रहा है तो हम किसको याद करें? हम राणा सांगा को याद करें। राणा सांगा के शरीर में 108 घाव हो गए थे, एक हाथ कटा, एक पैर कटा, एक आँख चली गई, इससे दिखाई नहीं पड़ता था। उसके बावजूद जो अंतिम युद्ध में जब वो उतरे, 108 में से 108 युद्धों में उनने विजय को प्राप्त किया। अंतिम में तो स्थिति ये थी कि राणा सांगा के प्राण चले गए थे, प्राण चले गए थे, शरीर के अंदर आत्मा नहीं थी। सिर्फ उनके मृत शरीर को उनके सैनिकों ने घोड़े के ऊपर रखा और लेकर के गए, और राणा सांगा के मृत शरीर को देखकर, मरे हुए शरीर को देखकर, लाश को देखकर, शव को देखकर सामने वाली सेना के 15,000 लोग वहाँ से दुम दबा करके भाग खड़े हुए। इंसान की कीमत हो, दम हो, तो ऐसा होना चाहिए कि हमारा शव भी दूसरे के हृदय में भय पैदा कर पाने की स्थिति में हो। हमारे कभी कदम थकें तो हम अपने मन में उठें और ये सोचें कि उस राणा सांगा को याद करें। एक पैर चला गया, एक आँख चली गई, एक हाथ चला गया, उसके बावजूद उनके शरीर के अंदर वो ताकत थी कि उनको देख करके 15,000 लोग वहाँ से दुम दबा करके खड़े हो गए। हमारा मन कभी कमज़ोर पड़े तो हम अष्टावक्र को याद करें। अष्टावक्र तो अपनी माता के गर्भ के अंदर थे, कहोड़ ऋषि उनके पिता वेदों का पाठ करने के लिए बैठे। जैसे ही वेद मंत्रों का पाठ करना शुरू करा तो अष्टावक्र पेट के अंदर से बोले, गर्भ के अंदर से बोले, बोले पिताजी वेदों के अंदर ज्ञान नहीं है। पिता को बड़ा बुरा लगा, कौन बोल रहा है। ध्यान किया तो पता चला कि उनका जो पुत्र है अभी हुआ नहीं है, वो गर्भ के अंदर से कह रहा है कि वेदों के अंदर ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा क्यों कहते हो? बोले पिताजी आप ये बताइए कि चंद्रमा किधर है। उनने इशारा किया, बोले पर आपकी अंगुली चंद्रमा नहीं है ना, आपकी अंगुली चंद्रमा की ओर इशारा है। वैसे ही वेद ज्ञान की ओर इशारा है। जो ज्ञान है वो तो आत्मा के अंदर विद्यमान है, इसीलिए तो हम उसे आत्मज्ञान कह करके पुकारते हैं। पिता को बड़ा बुरा लगा, पिता को लगा कि देखो अभी पैदा नहीं हुआ ऐसी बातें कह रहा है। उनको गुस्से में उनके मुंह से निकला कि जा तू 8 जगह से टेढ़ा होकर के पैदा हो। 8 का मतलब अष्ट, टेढ़े का मतलब वक्र, इसलिए अष्टावक्र कहलाए। बोले तू 8 जगह से टेढ़ा हो ताकि अष्टांग योग न कर सके। ये उनके मन में भाव आया, पर अंदर से अष्टावक्र क्या बोले? बोले पिताजी आंगन के टेढ़ा हो जाने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता है। शरीर को आप टेढ़ा कर सकते हो, मन को टेढ़ा कर पाने की सामर्थ्य नहीं है। हमारे मन में कभी ऐसा लगे कि भगवान ने हमें शरीर की दृष्टि से कमज़ोर कर दिया, बीमारी आ गई, ब्लड प्रेशर हो गया, कहीं कोई हार्ट की तकलीफ़ हो गई, राणा सांगा को याद करें। याद करें हम लोग अष्टावक्र को, 8 जगह से टेढ़े होकर के पैदा हुए, उसके बावजूद क्या कहा? आंगन के टेढ़ा हो जाने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता। शरीर को होगा पर आत्मा के ऊपर छू पाने की सामर्थ्य दुनिया की किसी ताकत के अंदर नहीं। वो आत्मबल हम अपने अंदर पैदा करें, पैदा करें वो आत्मबल जो टेरी फॉक्स के अंदर था, कनाडा का लड़का। उसके पूरे शरीर में कैंसर हो गया, 18 साल का था, पूरे शरीर के अंदर कैंसर हो गया, एक पैर को काटना पड़ा, नए को लगाना पड़ा। तो क्या हुआ? लोगों ने कहा कि अब तो तुम्हारे पास 6 ही महीने बचे हैं, मरने वाले हो, क्या करोगे? और कोई होता तो मरने की सोचता। टेरी फॉक्स ने कहा कि मैं तो चला जाऊँगा। दुनिया में हजारों लोग हैं जिनके पास अपना इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, उनके लिए क्या करूँ? उसने कहा एक पैर पर दौड़ूंगा। एक पैर तो नकली था, एक ही पैर बचा था, जीवन जीने के लिए 6 महीने थे, एक पैर पर दौड़ूंगा। यदि 1 किलोमीटर पूरा कर लूँ तो जिसका मन कुछ देने के लिए हो वो कैंसर पीड़ितों के लिए $100 निकाल करके दे दे। और वो व्यक्ति एक पैर पर दौड़ा। ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, 1981 की है। कितना दौड़ा? एक पैर पर 143 दिन बिना रुके दौड़ा, 5,373 किलोमीटर दौड़ा।
और इतना दौड़ा कि वो व्यक्ति एक पैर पर कैंसर पीड़ितों के लिए $200 मिलियन इकट्ठे करके गया। आप सोचो, उस व्यक्ति को भगवान ने एक पैर दिया और एक पैर पर वो इतनी बड़ी लेगेसी तैयार कर गया कि आज दुनिया में जहाँ कैंसर के लिए दवाइयाँ बनती हैं वो टेरी फॉक्स के फाउंडेशन से निकल करके आती हैं। हमारा मन कभी कमज़ोर पड़े तो हम याद करें नाना सांगा को, हम याद करें अष्टावक्र को, हम याद करें टेरी फॉक्स को और फिर सोचें कि भगवान ने हमें कितनी तकलीफ़ दी है। हमारा मन कभी कमज़ोर पड़े, चलो ठीक है, शरीर की तकलीफ़ नहीं है, किसी को मन की तकलीफ़ हो सकती है। और यदि हमारे मन में मन की तकलीफ़ आए तो हम ध्रुव को याद करके देखें, 4 साल का बच्चा ही तो था। और 4 साल का बच्चा जो है वो अपने पिताजी के पास जा कर के बैठा तो माँ ने आकर के सौतेली माँ ने मना कर दिया, यहाँ मत बैठ, तेरा घर बाहर है, बाहर जा कर के बैठ। तो अपनी माँ के पास रोता हुआ गया, मैं तो पिता की ही गोद में बैठा था, मैंने क्या गलती करी थी। तो माँ बोली कि एक बात तो तेरी सौतेली माँ ने ठीक कही। क्या सही कही माँ? बोले यदि बैठना है तो तू पिता की गोद में मत बैठ, बैठना है तो तू परम पिता की गोद में बैठ। कहाँ मिलेंगे वो? बोले वो तो साधना और तपस्या से मिलेंगे। 4 साल का बालक चल दिया, उनको मना करने के लिए कौन आए? देवर्षि नारद आए। हम सोचें घटना हमारे साथ गुजर रही है, हम जरा सोच करके देखें कि हम 4 साल के हैं और घर से बाहर निकल गए और देवर्षि नारद आए। देखो बेटा, 4 साल के बच्चे को तो खेलना चाहिए, तेरे पिताजी को मैं मना देता हूँ, तो चल मेरे साथ, तेरे पिताजी से मैं बात करता हूँ, वो तुझको गोद में बिठाएंगे, मेरी बात को मना नहीं करेंगे, देवर्षि नारद ने कहा। बोले वो तो ठीक है, पर अब मैं घर से संकल्प को लेकर के चल दिया हूँ कि बैठूँगा तो सिर्फ परमपिता की गोद में बैठूँगा, नहीं तो बैठूँगा नहीं। और ध्रुव के कहने के बाद आप देखना, तपस्या जब करते हैं तो लोगों को दिखाते हैं एक पैर के ऊपर खड़ा हुआ, वो ध्रुव एक पैर पर खड़े हुए क्यों? क्योंकि उनका संकल्प ये था कि जब बैठूंगा तो अपने पिता परम पिता की गोद में ही बैठूंगा, तब तक तो खड़ा ही रहूंगा। तो उनने खड़े रह करके साधना को शुरू किया और संकल्प के अंदर बल कितना था। पहले माह के अंदर तो ध्रुव जो है सिर्फ पत्तों को लेकर के रहे, हर हफ्ते में एक बार पत्ते खाते थे, अगले महीने में 15 दिन के बाद एक बार पानी का घूंट पीते थे, उसके अगले महीने में हर 15वें दिन में एक बार सांस लेते थे, 4th महीना जब आया तो जो सूरज भगवान है उन्होंने निकलने से मना कर दिया, बादलों ने निकलने से मना कर दिया, हवा ने बहने से मना कर दिया, धरती ने घूमने से मना कर दिया, सबके सब भगवान के पास गए और भगवान से जाकर के बोले कि भगवान, वो जो 4 साल का बालक है उसकी तपस्या के अंदर इतना बल है, उसके संकल्प के अंदर इतना बल है कि उसके अंगूठे के बोझ से धरती दबी चली जा रही, आप जाइए और उसको दर्शन दे करके आइए। उस दिन के बाद से किसी व्यक्ति का संकल्प क्या कहलाया? ध्रुव संकल्प कहलाया। यदि व्यक्ति का संकल्प हो तो ध्रुव के बराबर हो। हम लोग यहाँ से उठें और ये सोचें कि हमारे संकल्प में बल इतना होना चाहिए कि हमारे अंगूठे की बोझ से धरती दबने लगे, वो संकल्प हमारे भीतर पैदा होना चाहिए। यदि हमें लगे कि हमारा मन कमज़ोर पड़ रहा है तो हम किसको याद करें? हम याद करके देखें हरिश्चंद्र को, सत्यवादी हरिश्चंद्र कहते हैं हम लोग, और जरा सोचें कि जो घटना हरिश्चंद्र के साथ घटी वो हमारे साथ घटी होती तो क्या होता। चक्रवर्ती राजा थे, विश्वामित्र सामने आ गए और विश्वामित्र आकर के बोले कि बेटा मैंने कल सपना देखा। सपना देखा? किसने देखा? वो भी हरिश्चंद्र ने नहीं देखा। किसने देखा? विश्वामित्र ने देखा। और सपने में तुमने अपना राज्य मुझे दान में दे दिया है। यहाँ पर लोग कोर्ट के कागज पर लिख करके मुकर जाते हैं। हरिश्चंद्र क्या बोले? कोई बात नहीं, आपने सपना देखा तो आपका सपना मेरे लिए प्रमाण के रूप में, ये पूरा राज्य आपका हुआ, राज्य आपका हुआ, अब क्या करेंगे? उन्होंने कहा आप बिक जाओ, बेच दिया गया। हरिश्चंद्र बिक गए, जिस राज्य में चक्रवर्ती सम्राट थे उसी में बिक गए, और पत्नी बिक गई, और जो पुत्र था रोहिताश वो बिक गया, मर गया सांप के काटने से। और जिस शमशान पर वो कार्य कर रहे थे उस जगह पर उसी के शव को लाया गया। हम सोचें कि हमारे साथ घटना घट रही है, और यदि हमारे साथ घटना घट रही है, पुत्र का शव आया है और उसके बावजूद हरिश्चंद्र कर मांगने के लिए बाध्य हुए, नियम मैंने बनाया है तोड़ में सकता नहीं, पत्नी ने आधी साड़ी फाड़ करके दी, तब जाकर के परीक्षा का अंत हुआ।
आज युगों युगों तक हम लोग हरिश्चंद्र को सत्यवादी कह करके पुकारते हैं, और इसलिए कह करके पुकारते हैं क्योंकि उनके संकल्प के अंदर वो बल था। हमारे संकल्प के अंदर वो बल होने की आवश्यकता है जहाँ पर दुनिया की कोई भी शक्ति हमारी परीक्षा लेने के लिए आ जाए पर हमें हमारे स्थान से डिगा पाने की स्थिति में ना आ पाए। मन कमज़ोर पड़े तो हम इन लोगों को याद करें, और हमें लगे सामाजिक परिस्थितियाँ विषम है, समाज हमारे विरुद्ध होकर के खड़ा हो गया है, तो किसको याद करें? गुरु गोविंद सिंह को याद करें। गुरु गोविंद सिंह के दो बच्चे थे, उनको तो जिंदा चिनवा दिया था औरंगजेब ने, तीसरे युद्ध में मारे गए, चौथे 6 साल के थे। 6 साल के, आप सोचिए, 6 साल का बच्चा था, घर में भाग करके आया, और जब भाग करके आया तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा क्यों आया बेटा? बोले पिताजी प्यास लग रही थी। बोले वहाँ पर मुगलों की सेना खड़ी है, तू यदि अपनी प्यास बुझाना चाहता है तो उनके लहू से अपनी प्यास को बुझा, वहीं जा। गए वो, चौथे भी मारे गए। उनकी माँ ने, बच्चों की माँ जो थी गुरु गोविंद सिंह जी की जो पत्नी थी, उनने कहा कि साहब मैं करूँ क्या, मेरे तो बच्चे ही नहीं है, किसको बच्चा देखूँ मैं? 4 बच्चे थे, चारों मर गए। तो गुरु गोविंद सिंह उनका हाथ पकड़ करके सभा के अंदर ले गए जहाँ पर उनके शिष्य बैठे थे। बोले ये लोग कौन है, तेरे बच्चे नहीं? बोले इन पुत्रन के शीश पर वार दिए पुत्र 4, 4 गए तो क्या हुआ, जीवित कई 1000। बोले हजारों शिष्य तो हैं, बोले इनको अपना बच्चा मान। ये बल होता है हमारे अंदर, यदि कभी लगे कि हमारा आत्मबल कमज़ोर पड़ रहा है तो हम इन लोगों को उठा करके देखें। हमारे जीवन में कितनी भी बुरी घटना आई होगी, इन लोगों की तरह नहीं आई होगी। हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आई होंगी तो कबीर की तरह से नहीं आई होगी, जिनको पैर में जंजीर बांध करके पानी के अंदर डाल दिया गया। हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ आई होगी तो प्रहलाद की तरह से नहीं आई होगी, जिनको आग में उतरना पड़ा, उनके पिता और उनके गुरु दोनों ही उनके विरोध में हो गए, उनको जहर दे दिया गया, उनको खाई के अंदर डाल दिया गया। हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ आई होगी तो ऐसी नहीं आई होगी जैसी सुधन्वा के जीवन में आए कि खौलते तेल के कढ़ाहे में उतरना पड़ा। हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ आई होगी तो ध्रुव की तरह से नहीं आई होगी जहाँ पर अपने ही पिता की गोद से उतार दिया गया। हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ आई होगी तो इतनी आई होगी कि कोई हमें देख करके बात नहीं कर रहा होगा, हमारे व्हाट्सएप के मैसेज डिलीट हो गए होंगे, बस इससे ज़्यादा बड़ी तकलीफ़ तो नहीं आई होगी। जब ज़िंदगी में तकलीफ़ आए तो हम इन लोगों को याद करें जिनको इस कष्ट से गुजरना पड़ा। गुरुदेव को गुजरना पड़ा, आज हम लोग महानता को याद करते हैं, पर जिस कष्ट से गुरुदेव को गुजरना पड़ा उसको कौन याद करता है? हम लोग छोटे थे, हमारी अपने सामने की घटना है। रोज़ गुरुदेव को काला तख्ता लेकर के लोग शांतिकुंज के सामने खड़े हो जाते थे। आपने ब्राह्मणों के अलावा लोगों को गायत्री का अधिकार दे दिया, महिलाओं को गायत्री का अधिकार दे दिया, यहाँ से जाइए, अभी जाइए, लोग हमला करने के लिए आते थे। गुरुदेव अखंड ज्योति संस्थान से निकलते थे, घिया मंडी से गायत्री तपोभूमि को जाते थे, रास्ते में लोग पत्थर ले लेकर के पीछे भागते थे। और एक दिन की बात नहीं, 10 वर्ष तक चला, 10 वर्ष तक ये घटनाक्रम रोज चला, और गुरुदेव ने शांति के साथ उसको सहन किया। क्या सहन किया? इस तरह से सहन किया कि गुरुदेव शांति कुंज में ऊपर से नीचे उतरते थे, नीचे उतरते थे, और जो लोग तख्ती लेकर के बाहर खड़े होते थे कि आप वापस जाइए, शांति कुंज को बंद करिए, गुरुदेव सबसे पहले उन्हीं के पास जाते थे और उनसे कहते थे बेटा तुम लोगों ने चाय पी कि नहीं पी, सुबह से खड़े हुए हो, चाय भिजवाते थे, उनको चाय दे करके आओ। वो लोग जो तख्तियाँ लेकर के खड़े होते थे, एक दिन सबने अपनी तख्ती छोड़ी, शांति कुंज में आकर के कार्यकर्ता बन गए। व्यक्ति क्या है, उन कष्ट के दिनों को याद करें। हमारी ज़िंदगी में कष्ट आए तो हम इन घटनाक्रमों को याद करें। इन घटनाक्रमों को सुनाने के पीछे का कारण यही है दोस्तों कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में जब आदमी को लगता है कि सारी विषमताएं हमारे ऊपर ही आ गई क्या, सारी आंधियां, सारे तूफान हमारे ऊपर ही चलने लगे क्या, हम इन महापुरुषों को याद करें और ये सोचें कि हमारी ज़िंदगी की कितनी भी बड़ी कठिनाई वो इन लोगों की कठिनाई के आगे, इन लोगों की विषमता के आगे, इन लोगों की चुनौती के आगे छोटी ही है। और ऐसी स्थिति में हमें हमारे भीतर के आत्मबल को, हमारे भीतर के आत्मविश्वास को पूरी शक्ति के साथ जगाने की आवश्यकता है। इस विश्वास के साथ जगाने की आवश्यकता है कि यदि हम लोग खड़े हो गए, यदि हमारे अंदर का भरोसा आ गया, यदि हमें हमारे सपने के ऊपर, हमारे संकल्प के ऊपर भरोसा आ गया, तो न जाने हम लोग कहाँ जाकर किस शिखर को छू सकते हैं। और अभी तो यात्रा शुरू हुई है, अभी तो युग सृजना कार्यक्रम के माध्यम से इस समय में हम लोग यहाँ मिल रहे हैं भुवनेश्वर में, और अगले वर्ष में हम लोगों को रायगढ़ में जाकर के मिलना है। तो ये यात्रा तो अभी शुरू हुई, और वो यात्रा रायगढ़ में भी रुकने वाली नहीं है, उसको उसके भी आगे जाने की आवश्यकता है। तो जब उस यात्रा को निरंतर आगे बढ़ने की आवश्यकता है तो हमारे आत्मबल को प्रत्येक दिन 1000 गुणा बढ़ने की आवश्यकता है। हर रोज़
हम अपने अंदर इस विश्वास को दिलाएं कि गुरुदेव ने अपनी योजना का प्रतिनिधि बना करके हमें भेजा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं यहाँ पर जो बिना गुरुदेव की चुनी हुई आत्मा हो। और जब हर व्यक्ति जो यहाँ के अंदर विद्यमान है, यहाँ आकर के बैठा है, गुरुदेव का चुना गया है, गुरुदेव के द्वारा भेजा गया है, तो उसको ये भरोसा रखने की आवश्यकता है कि यदि गुरुदेव ने हमें यहाँ पर भेजा है तो आगे का पथ वो हमसे बेहतर जानते हैं। उनको पता है कि हमें किन परिस्थितियों से कैसे गुजरने की आवश्यकता है, तो आगे की समस्या भी वो बेहतर जानते हैं और आगे का समाधान भी वो हमसे बेहतर जानते हैं। और ऐसे में व्यक्ति को अपने ऊपर भरोसा पैदा करने की आवश्यकता है। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से ज़्यादा दूर की नहीं है, रामकृष्ण परमहंस के समय की घटना है। केशव चंद्र सेन हुए उनके समय में ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हुआ करते थे और वो बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति। जब क्वीन आई भारत तो अपनी ओर से कुछ ही लोगों से मिली, उनमें से एक केशव चंद्र सेन थे, मिलने के लिए गई वो। और केशव चंद्र सेन जो थे उनके हजारों शिष्य थे, न जाने कितने केंद्र थे। वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए दक्षिणेश्वर मंदिर में गए और उस समय में स्वामी रामकृष्ण परमहंस को ज़्यादा लोग जानते नहीं थे। मिलने के लिए गए और जब मिलने के लिए गए तो उस समय में उनके साथ 200 के करीब स्वयंसेवक गए। बड़ी घटना थी, ऐसा जैसे लाखों लोग साथ गए हों। और उन स्वयंसेवकों में एक स्वयंसेवक विवेकानंद थे, बड़ी कठिन परिस्थितियों में गए। उनके मन में ऐसा नहीं था कि उस समय में कोई बड़ी आध्यात्मिक जिज्ञासा थी या किसी गहन आध्यात्मिक भाव को लेकर के गए, ऐसा नहीं। सामान्य सी सांसारिक इच्छा को लेकर के विवेकानंद गए थे। क्या इच्छा थी? बड़ी कठिन परिस्थितियाँ थी, पिता का देहावसान हो गया था, माँ बीमार चल रही थी, बहन ने आत्महत्या कर ली थी, भाई घर छोड़ करके भाग गए थे। बहुत कम लोगों को पता है कि जो स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई थे वो भारत छोड़ करके भाग गए थे और 3.25 साल के बाद कहाँ मिले थे? लंदन में। उसके बाद जिस दिन लंदन में मिले वहाँ 2 हफ्ते रहे, पैदल लंदन गए यहाँ से और फिर वहाँ से पैदल चल दिए। फिर वहाँ से चल के आए, 7.5 साल तो स्वामी विवेकानंद के भाई घूमते ही रहे पैदल। तो ऐसी कठिन परिस्थिति थी, अकेले स्वामी विवेकानंद थे जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी कि वो पैसा कमाए, कहाँ से लेकर के आए। उनको 13 जगह से नौकरी से निकाल दिया गया था। तो इतनी कठिन परिस्थिति में स्वामी विवेकानंद गए, इस भाव के साथ गए कि हमारे गुरु से मिलने के लिए इतने बड़े आदमी आ रहे हैं, थोड़ा सिफारिश कर देंगे तो जॉब लग जाएगी। अब वहाँ पर क्या हुआ कि केशव चंद्र सेन को तो रामकृष्ण परमहंस ने ऊपर बिठाया कुर्सी पर, जमीन पर जाकर विवेकानंद के साथ बैठ गए। लोगों को लगा कि ये परमहंस हैं, समझ ही नहीं पाए कि अध्यक्ष तो वहाँ बैठे हैं। उन्होंने कहा कि साहब अध्यक्ष वहाँ पर बैठे हैं। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोले, उधर दीपक जल रहा है, यहाँ पर सूरज उगने वाला है, मैं सूरज के पास जाकर के बैठा। फिर बोले केशव चंद्र सेन से कि केशव जो तू कर रहा है वो करने के लिए भगवान का आदेश हुआ है? उन्होंने कहा नहीं हुआ। बोले बेटा फिर चलेगा नहीं? बोले पर ये वाला चलेगा। और ये वाला चलेगा का मतलब कि विवेकानंद को दुनिया जानेगी, और उस समय विवेकानंद को कौन जानता था? उस कक्ष के अंदर बैठे लोग भी नहीं जानते थे और केशव चंद्र सेन को पूरी दुनिया जानती थी। आज की तारीख में केशव चंद्र सेन का नाम बताने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और विवेकानंद के नाम को पूरी दुनिया जानती है। चलता वो है जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है। और इस कहानी को सुनाने के पीछे का कारण, जब गुरुदेव ने 1938 में अखंड ज्योति को लिखना शुरू किया तो 2nd World War चल रहा था, कागज मिलता नहीं था। उस समय में गुरुदेव घर में बैठ करके अखंड ज्योति को हाथ से लिखते थे, छापने के लिए पैसे नहीं थे, सही नहीं मिलती थी, हाथ से 250 प्रतियां लिखते थे। और उन 250 प्रतियों को लेकर गुरुदेव अपने हाथ से बांट करके आते थे, मथुरा के अंदर दे करके आते थे। जितने लोग थे, बड़े बड़े लोग, उनके नाम नहीं बोलने चाहिए, बड़े बड़े लोग, वो बोले कि गुरुदेव चलेगी नहीं, पैसे आप लेते नहीं हो, विज्ञापन आप छापते नहीं, 2nd World War चल रहा है, कागज बड़ी मुश्किल से मिलता है। बोले ऐसे में ये चलेगी तो चलेगी कैसे, अखंड ज्योति नहीं चलेगी। गुरुदेव ने उनको उत्तर नहीं दिया, पर अखंड ज्योति के अंदर लिखा, क्या लिखा? इंसान की जलाई हुई हो तो बुझ जाए, भगवान की जलाई हुई हो तो अखंड जलेगी। भगवान की जलाई हुई है, अखंड जल रही। और गुरुदेव ने क्या लिखा? कल को यदि इस दीपक का, अखंड दीपक का पात्र टूट जाए, तेल चुक जाए, बत्ती थक जाए, तब भी इसके प्रकाश को रोकने वाला पैदा होने वाला नहीं है, ये भगवान का प्रकाश, सौभाग्य है हमारा।
मन कभी कमज़ोर हो, आत्मबल कमज़ोर हो, आत्मविश्वास कमज़ोर हो, हम लोग याद करें कि हम लोग उस अखंड दीपक के, उस अखंड ज्योति के, उस देवी योजना के प्रतिनिधि हैं जिसके प्रकाश को रोकने वाला पैदा होने वाला नहीं है। हम लोगों का सौभाग्य कि हम लोग उस योजना के प्रतिनिधि के रूप में विराजमान हैं। मन के अंदर कभी भी ये लगे कि वो विश्वास थक रहा है तो गुरुदेव के इन शब्दों का स्मरण करें, ये भरोसा रखें कि दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं, ऐसी कोई ताकत नहीं जो हमारे बढ़ते कदमों को रोक सके, थाम सके। हमें यहाँ से जाना है और जाने के बाद, आज तो खैर जाने का दिन नहीं, जाने का दिन तो कल आएगा, पर जब हमें जाना है तो हमें इस भाव के साथ जाना है कि यहाँ से लेकर रायगढ़ तक, कटक से लेकर बोध तक, गंजाम से लेकर बहरमपुर, ऐसा कोई स्थान शेष नहीं रहना चाहिए, ऐसा कोई कोना शेष नहीं रहना चाहिए जहाँ पर गुरुदेव की ज्योति का प्रकाश न पहुँचे। हर जगह तक हमें पहुँचाने की आवश्यकता है। उठे तो विश्वास लेकर के उठे, उठे तो आत्मबल को लेकर के उठे, उठें तो इस भरोसे को लेकर के उठें कि इतनी बड़ी शक्ति ने हमारे ऊपर भरोसा रखा है। जब हमारे को इतने बड़े राजा विश्वास के साथ देख रहे हैं, भगवान को काम कराने के लिए लोगों की जरूरत होती है क्या? नहीं होती। भगवान चाहें तो अपने काम को वैसे ही कर सकते हैं, पर इतनी बड़ी शक्ति ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने, गुरुदेव ने, गायत्री माता ने हम जैसे अदनों के ऊपर भरोसा किया है, तो उस भरोसे को लौटाने के लिए हमारे को हमारे भीतर भरोसा पैदा करने की आवश्यकता है। यहाँ से उठें, भरोसा लेकर के उठे, आत्मबल लेकर के उठे। भगवान के काम को करना है तो थके हुए कदमों से उस काम को नहीं किया जा सकता। भगवान के काम को करना है तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए, हृदय में बल होना चाहिए और अपने माथे पर शिकन जरासी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से निकलें तो खुशियाँ लेकर के उठें, सौभाग्य लेकर के उठें, बल लेकर के उठें, विश्वास लेकर के उठें और शक्ति लेकर के उठें। भगवान करे कि जो शक्ति आपके भीतर है वो सहस्र गुना हो, उड़ीसा जागे, पूरा भारत जागे, पूरा युग जागे, पूरा विश्व जागे और वो संस्कृति जागे जिस संस्कृति को आने वाले समय में चलकर पूरे विश्व को दिशा दिखानी है और वो सब आप लोगों के माध्यम से संपन्न हो सके, ऐसी प्रार्थना हम लोग गुरु सत्ता से करते हैं। आप सबको बहुत सारा धन्यवाद, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।